फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की सालों से पोस्टपोन हो रही फिल्म योद्धा के टीजर को रिलीज किया गया है। और बात करें इसके टीजर की तो टीजर को देखकर लगता है कि इस फिल्म की कहानी प्लेन हाईजैक के इर्द गिर्द होने वाली है। पर इस फिल्म में एक हाईजैक नहीं बल्कि दो हाईजैक देखने को मिलेंगे, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एयर मार्शल के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे और वही हाईजैकरों से प्लेन को बचाने का काम करेंगे। ओवरऑल कहें तो योद्धा का टीजर 1 मिनट का होने के बावजूद फिल्म के लिए ऑडियंस को टीच करने में कामयाब होता है। आपको बता दें, योद्धा एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर सागर अंबरे और पुष्कर ओझा ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पटानी और राशि खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म हमें 15 मार्च 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको योद्धा का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। ऑनसाइट कमांडो कौन है? धनुष की मच अवेटेड फिल्म D50 के फर्स्ट लुक और टाइटल को रिवील किया गया है। आपको बता दें, D50 के मेकर्स ने इसके फर्स्ट लुक को रिलीज करते हुए बताया है कि इस फिल्म का टाइटल रायन है। आप यहां पर इसके फर्स्ट लुक पोस्टर को देख सकते हैं, जिसमें हमें धनुष का एक इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है और धनुष के साथ ही संदीप किशन और कालिदास जयराम का भी एक इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है। रायन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे खुद धनुष ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें धनुष के साथ नित्या मेनन, संदीप किशन और कालिदास जयराम जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। अभी तक इस फिल्म के रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, पर रायन के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि धनुष की ये फिल्म हमें तमिल के साथ तेलुगु और हिंदी में 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको रायन का ये फर्स्ट लुक पोस्टर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। रितेश देशमुख की एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका टाइटल है राजा शिवाजी। आपको बता दें, इस फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बेस होने वाली है, जिसमें हमें रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। और वही इस फिल्म को रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया रितेश देशमुख और जियो स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे खुद रितेश देशमुख डायरेक्ट करने वाले हैं। और वहीं कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रितेश देशमुख इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें 2025 में मराठी के साथ हिंदी भाषा में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में फिट बैठेंगे या नहीं? वरुण तेज की आने वाली फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रेलर हमें कल यानी 20 फरवरी 2024 को सुबह 11:05 में देखने को मिलेगा, जहां इसके हिंदी ट्रेलर को सलमान खान के द्वारा और वहीं इसके तेलुगु ट्रेलर को रामचरण द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें, ऑपरेशन वैलेंटाइन एक रियल एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर शक्ति प्रताप सिंह ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें वरुण तेज के साथ मानुषी छिल्लर लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और वरुण तेज की ये फिल्म हमें 1 मार्च 2024 को तेलुगु के साथ हिंदी भाषा में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। अब जो होगा देखा जाएगा। अजय देवगन की आने वाली फिल्म शैतान से अजय देवगन के कैरेक्टर पोस्टर और ज्योतिका के कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज किया गया है। आप यहां पर इन दोनों पोस्टरों को देख सकते हैं। और वहीं कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें शैतान का ट्रेलर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, शैतान एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ ज्योतिका, आर माधवन और जानकी बोधी वाला लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और अजय देवगन की ये फिल्म हमें 8 मार्च 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ममूटी की फिल्म ब्रह्मयुगम ने अपने रिलीज के चौथे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,85,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ इस फिल्म ने 4 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12,75,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और 15,10,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं इस फिल्म ने 4 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 16,50,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ ब्रह्मयुगम ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 31,60,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो क्या आपने ममूटी की फिल्म ब्रह्मयुगम को देख लिया है? और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। सुनो, ये ब्रह्मयुग है, इस काल में बत्ती और संस्कार निरर्थक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।